हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 20,000 के अंदर आने वाले कुछ न्यू और बेस्ट स्मार्टफोन। तो रिसेंटली ही 20,000 के बजट में कई सारे न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, तो उन्हीं में से हमने आपको शॉर्ट लिस्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। इन स्मार्टफोन में आपको 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 108 मेगापिक्सल का हैवी ड्यूटी कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ कर्व एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो यानी सभी फीचर्स स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइएगा इस बिना के फिजरी के हमारे आज की इस वीडियो को शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड जो बगल में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, मोटो G73 5G। मोटोरोला ने ये स्मार्टफोन 19,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया था, बट रिसेंटली ये स्मार्टफोन की कीमत डाउन हो चुकी है एंड ये आपको 17,000 के नीचे देखने को मिल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड क्या क्या ये स्मार्टफोन फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है 5000mAh की बड़ी बैटरी 30 वॉट के चार्जर के साथ, जो कि आपके फोन को फुल चार्ज करेगा 75 मिनट्स के अंदर। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की फुली एमुलेट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। इसमें आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि हाँ इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। 120 हर्ट्ज इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट होने वाला है। बात की जाए कैमरे की तो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, डिसेंट टाइप का है क्योंकि इसका बजट भी थोड़ा कम है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको मीडिया टेक डायमेंसिटी 930 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आप मीडियम लेवल की गेमिंग कर पाओगे। 90 FPS पे ये गेम थोड़ा लैग करने लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप इसके साथ जा सकते हो। प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिल रहा है 17,000 के नीचे, और आप अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना ऑफर वगैरह लगाकर। एंड ये रहे इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कोन्स, स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा है तो आप इसको ले सकते हो। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ, OnePlus Nord CE 3 Lite। तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 67 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि बहुत ही फास्ट आपकी बैटरी को चार्ज करने वाला है। बात की जाए डिस्प्ले की तो 6.7 इंच की IPF डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी डिफरेंट टाइप की है, बट हाँ और अच्छा हो सकता था, क्या कर सकते हैं। बात की जाए कैमरे वगैरह की तो 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, मतलब मेन कैमरा, एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो क्वालिटी तो कैमरा डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, बट नाइट टाइम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। बात करें परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 695 का 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसपे आप आराम से पबजी को 60 FPS पे प्ले कर पाओगे। एंड हाँ थोड़ा लैग वगैरह देखने को मिल जाएगा आपको, बट हाँ ठीक है। प्राइस की बात करें तो 8GB की रैम, 128GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 20,000 में मिल रहा है। और ये रहे स्मार्टफोन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स, और अगर वन प्लस का है तो हाई ब्रांडिंग। तो बात करें थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तो इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा और डिजाइन दोनों काफी अच्छे मिलने वाले हैं, और इस स्मार्टफोन का नाम है Vivo T2 5G। तो अगर आप लोग एक बेस्ट कैमरा फोन या एक बेस्ट डिजाइनिंग फोन लेने की सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, और ये स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हो। चलिए जानते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है 4500mAh की बड़ी बैटरी 44 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि एक सुपर टर्बो चार्जर होने वाला है। बात करी जाए डिस्प्ले की तो 6.3 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक ठाक है, एमुलेट है तो आप कंटेंट वॉचिंग के लिए आप इसको ले सकते हो। बात की जाए कैमरे की तो 64 मेगापिक्सल का आपको इसमें मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। डे लाइट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, नाइट में इतना अच्छा नहीं है, मैं अपना ओपिनियन दूं तो, बट आप समझ जा सकते हो क्योंकि ये सेगमेंट में सबसे अच्छा कैमरा प्रोवाइड कर देता है। बात करें परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 695 का 6nm वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसपे आप इजिली 60 FPS पबजी वगैरह खेल पाओगे, डेली यूज में कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से फोन काफी अच्छा है। प्राइसिंग की बात करें तो 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको फिलहाल 19,000 में मिल रहा है एंड बैंक डिस्काउंट भी है तो आप जाके क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको एक टेलीफोन चाहिए तो आप कैमरे के साथ इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो, ये काफी दमदार स्मार्टफोन है वीवो कंपनी का।
चलिए गाइस अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है एंड जिसमें आपको 5nm वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, मतलब गेम पे ले तो मक्खन होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ IQ Z7 5G। चलिए जल्दी फिर जानते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। तो इसमें लगा हुआ है 4500mAh का बड़ा बैटरी, वो भी फास्ट चार्जर के साथ 44 वोल्ट के, जो कि आपके फोन को फुल चार्ज करेगा इन 1 आवर। डिस्प्ले का क्वालिटी की बात करें तो 6.4 इंच का फुली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश के रेट के साथ। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है एंड क्योंकि इसमें IPS पैनल नहीं है तो ये काफी अच्छा है, और इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले में। कैमरे की बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। डेलाइट में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा कैमरे से रिलेटेड। परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है मीडिया टेक डायमेंसिटी 920 5G वाला प्रोसेसर, जिसकी हेल्प से आप पबजी वगैरह को 90 FPS पे या 60 FPS पे प्ले कर पाओगे। डेली यूसेज में आपको इतना सा भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। ये गेमिंग स्मार्टफोन है और अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और ये रही